तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बहुत अच्छे हो गए आप लोग। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ कि जब आप फोटो एडिट तो कर लेते हो बट आपका जो हेयर स्टाइल है मस्त वाला नहीं हो पाता है। आप चाहे गूगल पे सर्च करते हो हेयर स्टाइल PNG, बट मिलता है बहुत मिलता भी है तो अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। तो आपका क्या होता है कि इस प्रकार का जो देख रहे हो, आपको इस प्रकार का टेंशन होता होगा कि यार इतना मेहनत किया बट एक चीज़ के लिए मेरा फोटो एकदम बेकार हो गया। तो गाइस, आज आपका नाम एकदम नाराज़ नहीं होना है, आपका एकदम आज पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। और कैसे नहीं करने वाला, तो आप वीडियो में पूरा बने रहना और वीडियो को मिस मत करना। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ओपन करना है। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑल फोटो क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करके देखता हूँ जो मैंने फोटो कट किया है, तो उस पर मतलब देखता हूँ कि यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल रहा है फोटो सेव करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड लेने के बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे आपको सेट करके दिखाऊंगा कि मतलब ऐसे फ़ोटो सेट करने में और उसको हेयर स्टाइल जो अच्छा नहीं मिल पाता है तो क्या हम गजब लगता है। तो चलो मैं इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सेट करके देखता हूँ क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सब कर लेता हूँ। बहुत अच्छा लगता है ऐसे सेव कर लिया मैंने, बहुत अच्छा लगता है कि सेव भाई इतना अच्छा फ़ोटो है, चलो अच्छा लग रहा है। लास्ट में क्या काम मिलता है ठीक भाई, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर लिया। देखो लास्ट में क्या मिलता है कि आप यहाँ पे देखो कि सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा से एडिटिंग, मान के चलो अच्छे से एडिटिंग कर लेते हो, बट यहाँ पे क्या है कि हेयर स्टाइल जो है ना देखो मस्त नहीं लगती है। इससे ही पता चल जाता है कि आप फोटो एडिटर एडिटिंग किया हुआ है और क्या नहीं। तो गाइस देखो, अब इसको आज मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। और ये भी नहीं कि आपको बोलने होगा कि जाकर यहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड करो, हेयर PNG डाउनलोड करो, नहीं, अपने मन अपना जो आपका मतलब कि पसंद होगा आप वो एडिट करके खुद से आप हेयर स्टाइल बना सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। गाइस, तो हमारी वीडियो पूरा बने रहना और वीडियो को मिस मत करना गाइस। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पे फोन मैंने फोटो सेव कर लिया है। ठीक है, अब इसको हेयर स्टाइल चेंजिंग करना है, मस्त वाला बनाना है। तो चलो इसको क्या करते हैं, तो अब मतलब मान के चलो आपका एग्जांपल लेके बताओ, आप अच्छे से पूरा बना लियो फोटो, तो आपको पहले आपको ड्रा में जाकर सेव कर लेना है। ठीक है, ड्रा में सेव कर लेना, टिन डॉट पे क्लिक करके सेव करना है ऐसे इमेज। ठीक है, उसके बाद आपको सीधा जाना है जो वो ऑटोडेस्क में जाना है और वहाँ से फोटो को आपको यहाँ पे फोटो को जो है ना हेयर स्टाइल अच्छे से बनाना है। तो गाइस चलो यहाँ पे थोड़ा वीडियो पॉज करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो अपना फोटो को यहाँ पे ऐड करता हूँ, जिस जो फोटो को मैंने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे देखो कि हमारा जो फोटो है यहाँ पे आ चुका है। आपको यहाँ पे अब हेयर स्टाइल करना है, तो आपको यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे दिख रहा है ये, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये ब्रश जो दिख रहा है इसको आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जो सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है ब्रश का, आप देखो यहाँ पे किस टाइप का सेटिंग किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपका काम करेगा। तो गाइस चलो इस हेयर स्टाइल पर चलता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटो को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको यहाँ पे जो हेयर स्टाइल आपको सबको यहाँ पे बड़ा करना है ऐसे। ठीक है, ऐसे बड़ा करना है। अब देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो गाइस अब भी अच्छे से करना गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं हेयर स्टाइल बड़ा कर लेता हूँ, अपना यहाँ पे वॉइस बंद कर रहा हूँ, बस आप अच्छे से देखते रहना क्या क्या मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे देखो हमारा जो हेयर स्टाइल जो था जो छोटा था उसको मैं बड़ा कर लिया हूँ। उसके बाद आपको फिर से उसी
पे क्लिक करना होगा, फिर से आपको लेयर पे जाना, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ब्रश जो है चेंज करना है, ठीक है। तो आपको इस ब्रश पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब देख लो कितने नंबर पे है, मैं बता देता हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे से ये ब्रश पे यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिर से फोटो को घुमाना होगा, और चलो इसको सेटिंग में दिखा देता हूँ, सॉरी मैं आपको सेटिंग नहीं दिखा पाया। तो गाइस यहाँ पे देखो सेटिंग यहाँ पे है, तो ये सेटिंग रहेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी स्टार्ट करता हूँ, इसको मैं हेयर जो है बड़ा बड़ा करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हेयर स्टाइल जो है निकल रहा है, देख सकते हो कि हमारा जो हेयर स्टाइल कितना बेहतरीन लग रहा है। बट क्या नहीं कि जो आगे का पोर्शन देख रहे हो कि पता चल रहा है, ठीक है, तो इसको मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो गाइस इस पर मतलब जो ब्रश है, इस पर से मतलब काम हो गया, ठीक है, ये अब ब्रश का कोई काम नहीं है। तो बट आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला ब्रश यूज़ किया था, ठीक है, उससे उसको ही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वाली ब्रश को यूज़ करूँगा, और जो साइज़ है वही रहेगा, पूरा फुल सेटिंग वही रहेगा। आपको फिर से अब इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है, अब इसको हेयर स्टाइल अच्छे से बनाना होगा। जो हेयर स्टाइल था आगे का पोर्शन बहुत अच्छा हो गया, और भी साइड का जो पोर्शन है इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पे बहुत अच्छा हेयर स्टाइल लग रहा है। उसके बाद आप क्या करना है कि आपको अगर इसमें कलर करना है तो आप यहाँ पे कलर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप मतलब वीडियो को पूरा बने रहना और देखते रहना मैं क्या क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। मैं जो करूँगा आपको एकदम जरूर बताऊँगा, ऐसे करना ऐसे करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर से और क्लिक करना, तो वैसे आपको ये वाली ब्रश लेना होगा, ठीक है, आपको इस ब्रश पे क्लिक करना है। तो वैसे सबसे पहले आपको तो यहाँ पे करने क्या होगा कि आपको यहाँ पे कलर पे क्लिक करना होगा। आपको जो भी कलर यहाँ पे रखना है आप यहाँ पे कलर रख सकते हो गाइस, ठीक है। आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, यहाँ पे कलर जो सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से आप रख सकते हो, और यहाँ पे भी कलर आप चेंज कर सकते हो। बट हमको येलो रखना है तो मैं येलो रखूँगा, ठीक है, और इसको यहाँ पे बंद कर दूँगा। उसके बाद यहाँ से आप कलर कर सकते हो। तो यहाँ ब्रश का मैं साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अपने हिसाब से गाइस अपने।
किया वो कर लिया, बट नीचे जो है ना पता चल रहा है उसमें मैनेज कर लिया, तो जिस बस पर पहुँच गया था देख रहे हो कितना बेहतरीन हो गया है गाइस। तो पहले का जो था अब का देखो कि क्या मतलब क्वालिटी लग रहा है गाइस, तो यहां पे देखो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्टाइल कैसा लगा और कैसा लगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपको स्क्रीन शॉट पर क्लिक करना तो गाइस आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि गाइस ये दोनों एक फ़ोटो में एक जो फ़ोटो एडिट किया गया और एक बिना एक हेयर स्टाइल एडिट किया, तो आप दोनों में मिला फ़र्क मिला सकते हो गाइस। तो अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना गाइस। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस, तो ओके बाय बाय एंड टेक केयर।